नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, देश के दो पीएसयू बैंक के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले के विरुद्ध में बैंक यूनियन ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तहत 9 यूनियनों ने आज 15 मार्च और 16 मार्च 2021 को हड़ताल का ऐलान किया है। 2 दिन बैंकिंग के लिए आप डिजिटल या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएम वेंकट चलम के मुताबिक इस हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी शामिल होंगे। कैनरा बैंक, सीबीआई, यूनियन बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने अपने कस्टमर को स्ट्राइक की वजह से कामकाज पर असर पड़ने की जानकारी दे दी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट स्पीच में विनिवेश कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन को ऐलान किया था। इसी के विरुद्ध में बैंकिंग यूनियन ने स्ट्राइक किया है। दोस्तों, भारत सरकार के इससे पहले आईडीबीआई बैंक में अपनी अधिकांश हिस्सेदारी को एलआईसी को बेचकर उसका निजीकरण कर चुकी है। साथ ही बीते 4 वर्षों में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 14 बैंक को अन्य बैंकों में विलय कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में निजीकरण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कई सारे बैंक यूनियनों ने सरकार के इस कदम के प्रति विरोध जारी किया है। बैंक स्ट्राइक का ऐलान करने से पहले बैंक यूनियनों ने कई बार सरकार से इस मुद्दे पर बातचीत करने का प्रयास किया था। सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों के निजीकरण के मुद्दे को लेकर वित्त मंत्रालय और बैंक यूनियनों के बीच 4 मार्च, 9 मार्च और 10 मार्च को बैठक हुई। हालांकि इन बैठकों में यूनियन और मंत्रालय के बीच सुलह नहीं हो सकी। सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद बैंक यूनियनों ने 2 दिन के देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की 2 दिन की स्ट्राइक का मंडे को पहला दिन था। सोमवार को बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा कामकाज प्रभावित रहा। स्ट्राइक का सबसे अधिक प्रभाव नकद की जमा और निकासी पर देखने को मिला है। कई ग्राहकों के चेक क्लियर न होने के कारण वो काफी परेशान रहे। UFBU के सदस्यों में ऑल इंडिया एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे यूनियन शामिल है स्ट्राइक में। तो दोस्तों, मंडे एंड ट्यूसडे 15 एंड 16 मार्च तक ये बैंक स्ट्राइक पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि ये जो सारे बैंक्स हैं स्ट्राइक पे हैं, तो इसका असर बैंक शेयर्स पर भी पड़ सकते हैं। तो आपको बैंक शेयर्स को ठीक से एनालाइज करना है, फिर आपको उसमें शॉर्ट करना है या बाय, इन सब चीज़ को ध्यान देख के आप बैंक शेयरों में ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए यही रुकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।